स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इन टुडेज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन एंड टेक्निकल सैंक्शन। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सैंक्शन टू एस्टिमेट। फॉर एनी वर्क और प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड बाय अ डिपार्टमेंट, एन अप्रूवल or sanction by a competent authority of the department with respect to cost and work is necessary for the completion of work. The authorizes the engineering department to take up the work. तो किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले या उसका काम शुरू करने से पहले वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो काम हो सकता है या नहीं, उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है और उसके लिए अप्रूवल या सैंक्शन लेना पड़ता है, जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना पड़ता है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है या प्राइवेट कंपनी है तो उसका हेड भी हो सकती है। So exactly, what is administrative approval? See, administrative approval is nothing but the formal acceptance by the department concerned of the proposal. And after the administrative approval is given, the engineering department take up the work and prepare detailed plan, design and estimate and then execute the work. So the engineering departments prepare approximate estimate and preliminary plans and submit to the departmental concerned for administrative approval. तो administrative approval एक formal acceptance रहता है एक proposal का, कि ये काम ज़रूरी है या नहीं society के लिए, तो उसका analysis करते हैं। administrative approval के साथ डिटेल प्लान, उसका डिज़ाइन और एस्टीमेट, ये सब देना पड़ता है, तब जाके जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन टू एस्टीमेट। एक्सपेंडिचर सैंक्शन मींस द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट of the expenditure proposed and represent allotment of money to meet the expenditure. No expenditure can be incurred before expenditure sanction is given. Expenditure sanction means allotment of fund or money for a specific work and is usually accorded by the finance department. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट दिया जाता है तो उसमें एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट दिया जाता है, तो उसका फंड अवेलेबल है या नहीं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। तो एक्सपेंडिचर सैंक्शन मतलब क्या है? इट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ फंड और मनी फॉर अ स्पेसिफिक वर्क और ये अवेलेबिलिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करता है। नेक्स्ट, टेक्निकल सैंक्शन टू एस्टीमेट। टेक्निकल सैंक्शन मीन्स द सैंक्शन ऑफ द डिटेल एस्टीमेट, डिज़ाइन कैलकुलेशन, क्वांटिटी ऑफ रेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द एस्टीमेट इज गिवन, then only the work is taken up for the construction. Administrative approval or expenditure sanction होने के बाद detail drawing, detail design और detail estimate, quantity of work, उसके rates और उसकी total cost work out करके competent authority से sanction करना पड़ता है।
और उसके बाद जाके वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इन केस ऑफ ओरिजिनल वर्क द काउंटर सिग्नेचर ऑफ द लोकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड बी ऑब्टेंड ऑन द प्लान एंड एस्टिमेट बिफोर टेक्निकल सैंक्शन इज अकॉर्डेड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अगर नया वर्क है तो डिपार्टमेंट का जो भी लोकल हेड है तो उसके काउंटर सिग्नेचर प्लान और एस्टिमेट पे लेने पड़ते हैं बिफोर टेक्निकल सैंक्शन। द पावर्स फॉर टेक्निकल सैंक्शन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो भी टेक्निकल सैंक्शन करने के लिए जो भी पावर्स है तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर फॉर टेक्निकल सैंक्शन इन महाराष्ट्र, तो चीफ इंजीनियर जो रहेगा डिपार्टमेंट का तो उसके पास टेक्निकल सैंक्शन करने के लिए फुल अथॉरिटी रहती है, फुल पावर्स रहते हैं। नेक्स्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके अंडर जो काम करता है, चीफ इंजीनियर के अंडर में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहते हैं, जो पावर है टेक्निकल सैंक्शन करने का तो वो नियर अबाउट 1 करोड़ का रहता है। सिमिलरली फॉर द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन इज अप टू 40 लाख। सिमिलरली एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक नोटिफिकेशन है तो उसके जो टेक्निकल सैंक्शन करने के जो पावर है लिमिट्स है तो उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो नेचर ऑफ पावर में देखिए, इश्यू ऑफ टेक्निकल सैंक्शन टू ओरिजिनल वर्क एंड स्पेशल रिपेयर एंड एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंटल चार्जेस। तो अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? फर्स्ट वाला है चीफ इंजीनियर, तो उसके पास फुल पावर्स है। अगर कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर रहता है तो उसको ही हैव पावर्स ऑफ टेक्निकल सैंक्शन अप टू 200 लाख। और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास अप टू 100 लाख, दैट इज 1 करोड़ तक पावर रहते हैं टेक्निकल सैंक्शन करने के लिए। और लास्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उसके पास नियर अबाउट 10 लाख तक टेक्निकल सैंक्शन करने के पावर रहते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन है गवर्नर ऑफ आसाम का।